मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, स्काई मेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। आज हम उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत के बारे में बात करेंगे। कल दिल्ली NCR के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी के साथ बौछारें देखने को मिली थी। दिल्ली में हालांकि कुछ स्थानों पर ही हल्की आंधी आई थी, फरीदाबाद, नोएडा और दिल्ली के कुछ भागों में, गुरुग्राम में भी, और उत्तर प्रदेश में हाथरस, अलीगढ़, मथुरा और उसके आसपास के इलाकों में आंधी और बारिश की गतिविधियां देखी गई थी, जिससे दिल्ली NCR सहित इन इलाकों में कुछ राहत दिखाई दी थी शाम के समय। तो ये प्री मानसून एक्टिविटीज आज और कल भी होने की संभावना है हरियाणा के कुछ इलाकों में, पंजाब के एक दो भागों में, ऐसे ही उत्तरी राजस्थान, उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में। दिल्ली NCR में भी गरजने वाले बादल बन सकते हैं आज और कल, लेकिन जो मानसून है उसका इंतजार अभी भी लंबा होता जा रहा है। जैसे हमने पहले बताया था कि जो पश्चिमी हवाएं हैं वो मानसून की हवाओं को रोके हुए हैं, तो इस बार ये काफी लंबा इंतजार देखने को मिलेगा। हालांकि पिछले कई सालों में हमने देखा था कि समय पर या समय से पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी थी उत्तर भारत में। इस बार जो मानसून है अलीगढ़, मेरठ से होते हुए अम्बाला और अमृतसर तक ही पहुंचा हुआ है। हालांकि इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां अब नहीं हुई हैं। मानसून पहुंचने के बाद से बारिश लगभग ना के बराबर है। पूरा पंजाब और हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान सूखा पड़ा हुआ है। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां हो रही हैं। तो इस बार क्या होगा कि मानसून में काफ़ी ज़्यादा देरी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से जो मानसून है उत्तर भारत में 5 या 6 जुलाई से पहले आगे नहीं बढ़ेगा, उसके बाद ही मानसून की गतिविधियां आगे बढ़ेंगी और मानसून हरियाणा, बाकी बचे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब के इलाकों को कवर करेगा और साथ ही साथ उसके बाद जो उत्तरी राजस्थान है उस इलाके में आगे बढ़ेगा। तो अगले कई दिनों तक हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि इस इलाके को कोई भी अच्छी वेदर एक्टिविटी मिलेगी। हालांकि जो पहाड़ी इलाके हैं, क्योंकि मानसून की रेखा थोड़ी सी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुई हुई है, यानी कि जो मानसून की रेखा अभी इसको नहीं कहेंगे लेकिन जो ट्रफ है वो नॉर्थ में शिफ्ट हुई हुई है, इसीलिए जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि बहुत ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी लेकिन फिर भी बारिश कुछ होती रहेगी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में, खास करके जो मध्य और पूर्वी जिले हैं, इस इलाके में मूसलाधार बारिश जारी है और जो मानसून का जो आनंद लेने वाले लोग हैं वो इसी इलाके के अभी इस समय हैं। इनको मानसून का काफ़ी ज़्यादा अच्छा अनुभव दिखाई दे रहा है, लेकिन जो बाकी इलाके हैं उत्तर पश्चिम भारत में, इसमें अभी शुष्क मौसम बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी जिले हैं इन इलाकों में अगले 2 दिनों के दौरान अच्छी बारिश जारी रहने की संभावना है। उसके बाद भी बहराइच से लेकर के गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, ये जो तराई वाले इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां ऑन एंड ऑफ जारी रहेंगी। और उसी तरह से जो साउथ ईस्ट राजस्थान है और ईस्ट राजस्थान है, इस इलाके में भी सवाई माधोपुर वगैरह से लेकर के जो कोटा, बूंदी, वारन, भीलवाड़ा, ये जो इलाके हैं, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां ऑन एंड ऑफ होती रहेंगी, यानी कि लोगों को राहत मिलती रहेगी। इस इलाके में पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, इस इलाके में भी कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी जारी रहने की संभावना है। हालांकि जो पूर्वी जिले हैं मध्य प्रदेश के और दक्षिणी जिले हैं, इन इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। जो देवास है और हरदा है, बैतूल है, होशंगाबाद, सियोनी और जो उसके पास क्या जो इलाके हैं, जैसे कि मांडला हो गया, जबलपुर, कटनी, इन उमरिया, दमोह, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। छिंदवाड़ा वगैरह में भी, और केवल जो ग्वालियर और उसके आसपास के इलाके हैं, इस इलाके का मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। पिछले 2 दिनों के दौरान भी ग्वालियर में बारिश नहीं हुई है, सीधी वगैरह में भी बारिश नहीं हुई है, लेकिन बाकी इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। तो मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश रहेगी, छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश रहेगी और गुजरात के भी कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है, यानी राजकोट से लेकर के भावनगर, सूरत, वलसाड़, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी हुई हैं। तो अभी भी गुजरात के कुछ भागों में अगले 2 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देंगी, लेकिन जो नलिया, भुज, ओखा और ये इलाके हैं, इन इलाकों का मौसम शुष्क ही बना रहेगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर पश्चिम भारत का इंतजार लंबा हो रहा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश वगैरह और जो मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़, इस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ अच्छी बनी हुई हैं और आगे भी इस इलाके को बारिश मिलती रहेगी, लेकिन जो उत्तर पश्चिम भारत है वो लगभग शुष्क और गर्म रहेगा। कम से कम अगले 10 दिनों तक हमें ये गर्मी और उमस भरा मौसम झेलना होगा, उसके बाद ही कुछ आसार नजर आ रहे हैं। आशा
है हमारी कि इस उस समय बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और हम उसके बारे में आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए प्रदूषण की रियल टाइम इन्फॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।